सिंगरौली में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में घायल मोतीलाल शाह की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिंगरौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले। हमले से घायल हुए एक युवक मोतीलाल शाह की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शत्रुधन सिंह, उसकी पत्नी और बेटे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के आरोपी के मकान पर जिला प्रशासन का बुलडोजर भी चला। इस दौरान सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और प्रशासनिक अमला डटा रहा। हमारी मांग यही है कि बुलडोजर सब चलना चाहिए घर पे। मेरे पापा का मर्डर हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। नहीं, हम लोग यही फांसी लगाएंगे। घटना के कार्रवाई के रूप में पुलिस ने अपनी ओर से तत्काल ही 3 स्टाफ कायम कर दिया था। कुछ नगर नियम की अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि अतिक्रमण जमीन के कारण दोनों का वाद विवाद हुआ, जिसके कारण यह घटना घटी। कार्रवाई कई वर्षों से उसका पेंडिंग पड़ा रहा नगर नियम की ओर से। हमने कहा है कलेक्टर से कि इसको तत्काल निराकरण करें और बताएं। हमने देखा है, परीक्षण भी कर रहे हैं, जो जायज चीजें हैं तत्काल अभी का हाल का हाल नगर नियम कार्रवाई करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।